हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं कौशिकी द्विवेदी। आज हम बात करेंगे हिंदी मूवी में होने वाले खून खराबे की। खून खराबे से मेरा मतलब है कि जो वो सीन्स होते हैं ना हिंदी मूवीज़ में, जहाँ के वो ह्यूमन ब्लड के साथ डील कर रहे होते हैं, उसको वो कितने ख़राब तरीके से हैंडल करते हैं। और ऐसे ही तीन सीन को आज हम करेंगे उस पर रिएक्ट। सो पहला सीन है, बहुत ही फेमस फिल्म थी, रानी मुखर्जी और शाहरुख खान और काजोल की, कुछ कुछ होता है। उसमें वो सीन आपको याद है जिसमें कि रानी मुखर्जी की डेथ होने वाली है और वो उसके पहले जो है बहुत सारा अपना लेटर वगैरह की बातें करती हैं। चलिए उसको देखते हैं। अपने पापा पर गई है, है ना? टीना बहुत क्रिटिकल है राहुल, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने बहुत कोशिश की राहुल, मगर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सके। वो जानती थी, मैंने उसे पहले ही कहा था कि उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि तुम्हें ये बच्चा कितना चाहिए। उसे भी ये बच्ची अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे जाने, उसकी माँ कैसी थी, कौन थी, इन सवालों का जवाब वो खुद दे सके। मामा, मैं ये 8 चिट्ठियां आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। इसके हर जन्मदिन के लिए 1 चिट्ठी। इनमें वो सारी बातें जो मैं अपनी बेटी को कहना चाहती हूँ। आप कहेंगे इतना ट्रेजिक सीन है और तुम्हें हंसी छूट रही है, पर ये हंसने लायक ही सीन है, हास्यास्पद है। क्यों हास्यास्पद है? क्योंकि इस सीन के मुताबिक टीना इसमें बहुत ही क्रिटिकल है और मरने वाली है। अब आप इमेजिन करो, कोई पर्सन इतना क्रिटिकल है तो क्या इतनी शांति से बैठ करके वो और उसकी मदर बतियाते रहेंगे और चिट्ठी का आदान प्रदान करेंगे? और उसने 8 चिट्ठी लिखी, यानी कम से कम 80 मिनट तो लगा होगा, अगर 10 मिनट भी प्रति चिट्ठी लगती है तो। और ना वहाँ पे पास में डॉक्टर है, ना कोई है, कोई भी उसको स्टेबलाइज करने के लिए नहीं है। इंटरनल हिमरेज जो होता है ना, वो ऐसे नहीं होता। इंटरनल हिमरेज में आदमी शॉक में चाहे लगता है, इट्स अ बिग 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 मैसिव इमरजेंसी, जहाँ की चारों ओर इस समय वहाँ पे अगर जेन्युइनली कोई शॉक में लेडी हो, इसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो चारों ओर उसके डॉक्टर होंगे, एनेस्थेटिस्ट होंगे, सर्जन्स भी हो सकते हैं, ब्लड बैंक वाले होंगे और होंगे ICU वाले, और पेशेंट को ICU या OT में ले जाने का इस समय तक प्रयत्न चल रहा होगा, ना कि इस तरीके से बातें चल रही होगी। अगर आपके पास इतना टाइम है जितना कि इस केस में था, तो द पेशेंट कैन ईजिली बी सेव्ड। देयर इज़ नो वे दैट द पेशेंट विल डाई इन अ सिनेरियो लाइक दिस। और पहले वो डॉक्टर कहती हैं कि बच्चा, चूंकि उसको पहले से ही मालूम था कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होनी है, थोड़ा बहुत तो किसी भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बट इतनी सीवियर कॉम्प्लिकेशन अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं किसी के केस में कि वो मदर की डेथ हो जाए, तो उस सूरत में डॉक्टर यूजुअली डिस्करेजेस, नॉट यूजुअली, ऑलवेज डिस्करेजेस द पेशेंट, अगर कि पेशेंट की लाइफ पे बन सकती है। पर अगर ऐसा कुछ है कि हाई रिस्क बना देता है प्रेगनेंसी को कोई कंडीशन, तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा विजिलेंस होती है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, और उसके लिए हम पहले से ही रेडी होते हैं ताकि पेशेंट के साथ कुछ इस तरह की दुर्घटना ना हो जाए। और उसके बावजूद भी एक कंडीशन होता है पोस्टमार्टम हिमरेज, जिससे कि काफ़ी सारी डेथ्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो उसको भी बचाया जा सकता है, पर्टिकुलरली इन द काइंड ऑफ सेटिंग जो वो दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई रूरल सा सेटिंग नहीं है जहाँ पे कि डॉक्टर्स हैं। तो देर आर प्रोसीजर्स लाइक यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन, और उसके बावजूद भी अगर नहीं रुक रहा होता है ब्लीडिंग, तो ऑब्वियसली यूट्रस को भी निकाला जाता है टू सेव द लेडी। सो ये सीन बिल्कुल भी कोई इसमें तथ्य नहीं है, मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वॉज इम्पॉर्टेंट, बट इन रियल लाइफ इट डजेंट हैपन। नेक्स्ट सीन है फ्रॉम द वेरी फेमस मूवी अमर अकबर एंथोनी, वो वाला सीन, यस एग्जैक्टली, जिसमें टोमेटो केचप की बोतल यानी ब्लड की बोतल टंगी हुई है और उसमें से 4 पाइप्स निकल रही होती हैं जो जा रही हैं अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की बॉडी में, और जा रही हैं निरूपा राय जी की बॉडी में जो उनकी मदर हैं, और जो ब्लड है वो लाइक एंटी ग्रेविटी वे में लाइक ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कोई मोटर वोटर नहीं लगा हुआ है, तीनों जो डोनर्स हैं वो दे रहे हैं और वो कलेक्ट हो जा रहा है
बॉटल में और वहां से फिर नीचे जा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टू निरूपा राय जी. दिस सीन हैज ऑलवेज मेड मी लव दो आई एंजॉयड द मूवी पर्टिकुलरली विथ माई फेवरेट अमिताभ बच्चन बीइंग देयर. बट सीन तो देख लेंगे बात निरूपा जी विनोद खन्ना जी टोमेटो केचप जी निरूपा जी ऋषि जी टोमेटो केचप अमिताभ जी. और हाँ तो यूजुअली जब कोई ब्लड डोनेट करता है पर्सन तो ब्लड उन्होंने डोनेट कर दिया चाहे वो बिल्कुल आपका सगाई क्यों ना हो बिल्कुल ट्विन ही क्यों ना हो बिल्कुल सेम फैमिली मेम्बर भी क्यों ना हो तो उसका ब्लड डायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन को नहीं दिया जा सकता है. जब भी ब्लड डोनेशन होता है और जो रिसिपियन को जब ब्लड देना होता है तो उसको क्रॉस मैच किया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ब्लड डोनर के ब्लड में कुछ ऐसे तत्व तो नहीं है जिनको एंटीजेंस हम बोलते हैं जिसके कारण से जो रिसिपियंट है उसकी बॉडी रिएक्ट कर जाए बिकॉज ऐसे रिएक्शंस जानलेवा होते हैं नॉट टू बी टेकन सो लाइटली और ऐसे मजाक में नहीं लेना चाहिए उसको. देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज समथिंग विच शुड बी रिजर्व ओनली फॉर केसेस वेयर इट इज़ रियली रियली नीडेड. अदरवाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से कई इन्फेक्शंस भी हैं जैसे हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं जिसके लिए टेस्ट ऑब्वियसली ब्लड बैंक्स करते हैं बट स्टिल इट इज समथिंग विच इज बेस्ट अवॉइडेड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सीन फ्रॉम कबीर सिंह जिस मूवी में बहुत सारे हास्यास्पद सीन थे बट दिस वन इन पर्टिकुलर क्योंकि आज हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं ये क्या सीन था. काउंट बहुत हाई है तो लॉग बुक में एंट्री नहीं करेंगे. Hey, what's all this logbook shit, man? तुम लोगों को जो ठीक लगता है वो करो. Don't bring this to me again. आपने देखा शाहिद कपूर के हाथ में जो ग्लव्स है उसमें ब्लड पूरा लगा हुआ है. सो महानुभाव जो है एक सर्जरी फिनिश करके बाहर आए हैं और उन्होंने हाथ वाथ कुछ नहीं धोया ग्लव्स व्लव्स कुछ नहीं निकाला और जा करके बैठ के भाषण दे रहे हैं अपनी नर्सेज पे या दादागिरी कर रहे हैं. सो रियल लाइफ में क्या होता है एक जब सर्जरी फिनिश होती है तो सर्जन सबसे पहले अपने ग्लव्स को निकालते हैं और उसको डिस्कार्ड करते हैं उस बिन में जिसमें कि बॉडी फ्लूइड से सने हुए जो जो भी कुछ हैं ग्लव्स हैं गाउन हैं कुछ भी हैं स्वाब हैं वो सब उसके अंदर में डाला जाता है और उसके बाद आता है गाउन बाहर और उसके बाद जा कर के डॉक्टर अपने हाथ को धोते हैं साबुन पानी से या अल्कोहल से रिलेटेड जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं उनसे और उसके बाद ही वो निकलते हैं ओटी के बाहर ताकि ब्लड से होने वाले जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन है वो सब नहीं हो. या दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. आप अपने दूसरे मरीजों को अपने आप को अपने कलीग्स को इन्फेक्ट कर दोगे इस तरीके से. दिस वॉज अबाउट इट इन टूडेज वीडियो. अगर आपकी इच्छा है कि मैं कुछ और पर्टिकुलर सीन्स कवर करूँ ऑफ बॉलीवुड मूवीज डू लेट मी नो विच आर रिलेटेड टू मेडिसिन. आई विल बी मोर देन हैप्पी. एंड या अ लिटल टिडबिट आई एम ट्रैवलिंग आने वाले 20 दिनों के लिए. कुछ कॉन्फ्रेंस है मेरा related to medicine, uske alawa kuch work related travel bhi hai, so I might not be as regular with my video as I have been, though I will try from my hotel room to make more videos. Till we meet next time, have a great week ahead. Till then, bye bye.